मित्रों, आज हम आपके लिए अपने आकर्षण को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से निखारा जाए ताकि दूसरे लोग आपसे आकर्षित हों, या फिर पति पत्नी में आपसी मतभेद चल रहा है उसे कैसे ठीक किया जाए, प्रेमी प्रेमिका में किसी भी प्रकार का मतभेद चल रहा है उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए, ऑफिस में आपकी कोई सुनता नहीं है या आपकी बातों का आकर्षण उतना नहीं हो पाता है, तो इन सब के लिए किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आज एक बहुत ही बेहतरीन बीज मंत्र के बारे में आज हम आपके लिए जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाएगा और आपके प्रेम संबंधों को ठीक करेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, एक आवश्यक सूचना, वीडियो प्रारंभ करने के पहले एक आवश्यक सूचना आपको बता दें, हमारे चैनल पर हम गायत्री साधना से संबंधित वीडियो डालते हैं, तो गायत्री साधना से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर 9826177333 इस पर जो है मैसेज डाल करके आपको गायत्री साधना के बारे में क्या जानकारी चाहिए, कौन सी शंका आपके मन में है उसको लिख करके भेजें, तो आपसे बात करने के लिए होगा तो हम आपसे बात करेंगे या आपके प्रश्न का उत्तर उसी में दे दिया जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर हमें लगेगा कि अनावश्यक रूप से पूछा जा रहा है उसका उत्तर आपको नहीं दिया जाएगा। जब आपको उत्तर ना दिया जाए तो समझो कि आप प्रश्न का उत्तर देने लायक नहीं था। अन्य जानकारी के लिए आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर आप अपना समस्या को भेजें और हमारी जो शुल्क है वो आपको देना पड़ेगी। अन्य मंत्रों के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना यहाँ से नहीं दी जाती है। कोई भी जानकारी यदि उसकी आपको चाहिए तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेकर के जो शुल्क हमारी है उसको दे करके फिर आपको हमसे बात करना पड़ेगी। यह जो है एक आवश्यक जानकारी आपको दी, क्योंकि लोग वीडियो सुनते हुए अनावश्यक रूप से परेशान करना चालू कर देते हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम तीन चीजों के बारे में आपको बताएंगे। पहले तो बीज मंत्रों के बारे में बताएंगे कि बीज मंत्र किस प्रकार से मंत्रों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। दूसरा, कामदेव बीज मंत्र का आपको प्रयोग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसका जाप करना है, किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है, और आखिरी में एक बहुत बेहतरीन आपको छोटा सा उपाय बताएंगे। उस उपाय को भी यदि आप साथ साथ में करेंगे 21 दिन तक लगातार, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी जिस निमित्त आप कर रहे हैं इस कामदेव बीज मंत्र का, तो आपको उसमें लाभ होगा। मित्रों, हमारे वेद ग्रंथों में जितने भी मंत्र हैं उन सब में ओम बीज मंत्र के रूप में लगा रहता है। ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिसमें ओम शुरू में ना आता हो। इन मंत्रों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इनमें कुछ बीज मंत्रों का यदि उपयोग किया जाए तो वो मंत्र और ज्यादा बड़े जल्दी फलित होते हैं। बीज मंत्रों का अपना एक अलग महत्व होता है। बीज मंत्रों के द्वारा उन मंत्रों से उन सिद्धियों को हम बड़े जल्दी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको कई वर्षों के बाद प्राप्त होने के लिए जाती है। तो इन बीज मंत्रों को अलग अलग देवताओं के बीज मंत्रों में लगा करके, जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उसमें बीज मंत्र लगा करके यदि उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो वो बड़े जल्दी फलित होता है। जिस प्रकार से कि आप खाना बनाते हैं, लेकिन खाने में आपको स्वाद अनुसार व्यक्ति नमक डालता है, मिर्च मसाले डालता है, तब फिर उसका स्वाद सही तरीके से बनता है। इसी प्रकार से बीज मंत्रों का सही तरीके से लाभ लेने के लिए, मंत्रों का सही तरीके से लाभ लेने के लिए बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग देवी देवता के लिए अलग अलग बीज मंत्र, ऐसे लगभग करीब 20 बीज मंत्र हैं, जिसमें आप यदि भगवान विष्णु के मंत्र को और ज्यादा प्रभावशाली बनाना है तो उसमें दम बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी के लिए के मंत्र में आपको हम बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है। भगवान गणेश के मंत्र में गम, यदि आप गम बीज मंत्र लगा देते तो वो ज्यादा प्रभावशाली उससे हो जाता है। माँ काली के लिए क्रीम बीज मंत्र लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति है तो आप श्रीम बीज मंत्र लगा सकते हैं। जो बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता वो सरस्वती के मंत्र में एम बीज मंत्र लगा करके जाप करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्लीम बीज मंत्र जो है वो प्राय कामदेव, भगवान कृष्ण और माँ कात्यायनी में लगाया जाता है। यह क्लीम बीज मंत्र जो है तीन देवताओं में विशेष रूप से लगाया जाता है।
आज के इस वीडियो में हम आपको तीन कामदेव बीज मंत्र के बारे में बताएंगे कि आपके अंदर आकर्षण शक्ति किस प्रकार से बढ़ाई जाए। कामदेव जो है वो काम वासना का प्रतीक है। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र यदि प्रभावशाली है तो उस व्यक्ति का ऑरा जो है बड़ा मजबूत होता है। आपने देखा होगा जितने भी अभिनेत्री होती हैं या अभिनेता होते हैं उन सब का ऑरा एक विशेष प्रकार का होता है, उनसे लोग जो है आकर्षित होते हैं। जितने भी साधु संत महात्मा आपने देखे होंगे उनके हजारों लाखों करोड़ों में अनुयायी होते हैं, क्योंकि उनका ऑरा एक विशेष प्रकार का होता है, उनके अंदर एक आकर्षण शक्ति होती है। अभी अभी आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बालक है 26 साल का जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, उनका ऑरा इतना ज्यादा तेज है कि लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके जो है देखने के लिए उनको आते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। उम्र का कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति का ऑरा ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोग प्रभावित हो सके। तो ये चीज यदि आप चाहते हैं तो आप यदि ओम क्लीम कामदेवाय नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मंत्र जो है आपको फलित होगा। इस मंत्र का उपयोग आपको कहां कहां करना है, यदि आपका पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, प्रेमी प्रेमिका में मतभेद चल रहा है, आपके कार्यालय में आपकी बात नहीं सुनी जाती है, या आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होता है, तो आपकी आंखों में चमक किस प्रकार से आए, इन सब चीजों के लिए आप यदि इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई गुना ज्यादा लाभ होगा। इस मंत्र का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है, किसी भी दिन ऐसे तो आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यदि प्रारंभ करेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा। ऐसी यदि आपकी इच्छा है तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसका आप इंतजार ना करें। आपको क्या काम करना है, पूजा स्थली पर स्नान आदि करने के पश्चात आप बैठ जाएं और 108 बार आप जो है ओम क्लीम कामदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना है तो उगते हुए सूर्य में जो है ध्यान करें कि वो प्रकाश पुंज आपके शरीर के अंदर आ रहा है। आपके पति पत्नी में मतभेद है तो आप उसका ध्यान करें, आप पति है तो पत्नी का ध्यान करें, पत्नी है तो पति का ध्यान करें, प्रेमी है तो प्रेमिका का ध्यान करें, प्रेमिका है तो प्रेमी का ध्यान करें और आंख बंद करके उगते हुए सूरज में जो है उसका ध्यान करें और ध्यान करें कि वो जो है आपके प्रति आकर्षित होते हुए चला जा रहा है और आपके अंदर जो है उसकी भावनाएं आपके अंदर प्रवेश कर रही है, तो दोनों के अंदर ऐसा तारतम्य बैठ जाएगा कि कुछ दिनों के पश्चात में एक दूसरे के अंदर जो कड़वाहट आ गई थी, एक दूसरे के अंदर जो दुराव की स्थिति आ गई थी वो धीरे धीरे समाप्त होने चालू हो जाएगी और आपकी आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको करना है। तो जब आप पूजा करेंगे तब आपको क्या काम करना है, कमर सीधी करके बैठना है। पहले जो है आप 10 बार जो है प्राणायाम कर लें, सांस को छोड़े रोके इस प्रकार से। उसके पश्चात में ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस प्रकार से जिस भी व्यक्ति को आपको आकर्षित करना है, जिस भी व्यक्ति को आपको अपने समीप लाना है, उस व्यक्ति का ध्यान आप उगते हुए सूरज में करें तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होगा। तो ये छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आकर्षण में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपकी समस्याओं का समाधान आपको होगा। पति पत्नी के मतभेद, प्रेमी प्रेमिका के मतभेद ये दूर होंगे। इन मंत्रों का अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तरफा यदि आपके कहीं प्रेम चल रहा है तो उसके लिए इस प्रकार के मंत्रों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके लिए लाभ की जगह आपको हानि हो सकती है। एक छोटा सा उपाय आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आपके पति पत्नी में मतभेद है, प्रेमी प्रेमिका में मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना चाहिए, एक भोजपत्र ले लें, अपनी पूजा स्थली पर बैठ जाए, एक भोजपत्र ले लें छोटा सा या इतना सा, एक छोटा सा आप सादा कागज ले लें, उसमें जो है पहले आप जो है ओम क्लीम कामदेवाय नमः किससे लिखना है आपको, सिंदूर लाल वाला जो होता है लाल सिंदूर, उसमें थोड़ी सी शहद मिला लें, उसकी स्याही बना लें और अनार की लकड़ी या तुलसी की लकड़ी से जो है उससे उसमें लिखना है,
उसमें सबसे ऊपर लिखना है ओम क्लीम कामदेवा नमः, उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम लिखना, पति है तो पत्नी का नाम लिखे, पत्नी है तो पति का नाम लिखे, प्रेमी है तो प्रेमिका का नाम लिखे, प्रेमिका है तो प्रेमी का नाम लिखे। तो जिसको भी आपको आकर्षित करना है उसका वहां पर नाम लिखना है, फिर दूसरी लाइन में फिर ओम क्लीम कामदेवाय नमः मंत्र लिखें और फिर उसका नाम लिखें और फिर उसके बाद में ओम क्लीम कामदेवाय नमः लिखें और उसके बाद फिर उसका नाम लिखें, यानी तीन बार आपको जो है मंत्र लिखना है और उनके बीच बीच में उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और फिर एक घी का दीपक जला करके इस मंत्र का जो है आप कम से कम 5 या 10 मिनट तक आप इसका जाप कर लें, और उसके पश्चात में जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, जब आपका दीपक अपने आप जब शांत हो जाए, तो उस कागज को फोल्ड करके रात्रि में उसको तकिए के नीचे रख दें। यदि आपका पति है और आपके साथ में रह रहा है, आपसे नाराज है, तो उसके तकिए के नीचे रख दें, और कहीं दूर है या प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से दूर है तो उनकी यदि फोटो मिलती है तो फोटो के पास में उसको 21 दिन तक रखा रहने दें, और 21 दिन तक आप इस मंत्र का आप जाप करें, और उसके पश्चात में उस कागज को उठा करके एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर की टिकिया रख करके उसको जला दें, तो निश्चित रूप से 21 दिन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके पति पत्नी में जो मतभेद आ रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका में जो मतभेद आ रहे हैं, वो दूर होंगे और आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। यदि आपको आकर्षण शक्ति बढ़ाना है तो उसमें आप जो है ओम क्लीम कामदेवाय नमः और अपना नाम लिखें आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद में इस प्रकार से 3 बार लिखें, अपने तकिए के नीचे उसको 21 दिन तक रखा रहने दें, तो निश्चित रूप से आपका ऑरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका आकर्षण की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग आपसे प्रभावित होना चालू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रयोग को करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आशा मित्र जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगी। आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। अन्य वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।